कि दुबई में माशाल्लाह दुनिया भर से लोग रहते, तो एक खातून आती है गैर मुस्लिम, मुझे क्वेश्चन पूछती, जाकिर भाई आपने जो जवाब दिया थे खवातीन के बारे में, और खवातीन के बारे में जब मैं हिजाब में बात करता हूँ आप लोग जानते होंगे, मैं एक मिसाल देता हूँ कि टू ट्विन सिस्टर, दो जुड़वा बहन अगर रास्ते पे चल रहे, एक ने इस्लामिक हिजाब पहना है कंप्लीट बॉडी कवर्ड एक्सेप्ट द फेस एंड ब्रेस्ट, और एक दूसरी उसकी ट्विन सिस्टर जुड़वा बहन एक स्कर्ट पहनी है, मिनी स्कर्ट पहनी है, लो नेक पहनी है, वेस्टर्न कपड़े पहनी है और रास्ते पे चल रही है कराची के, और एक लफंगा लड़की को छेड़ना चाहता है, तो कौन से लड़की को छेड़ेगा? और जवाब हमेशा जैसा है का वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली। तो वो लड़की गैर मुस्लिम थी, वो रिपीट करती, डॉक्टर साकिर ना यू सेड सो एंड सो दैट यू टीच द गर्ल वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोज। आई टेल यू, मैं कहती हूँ, मैं इंग्लिश में डायरेक्ट उर्दू में बोलूंगा, टाइम लग जाएगा, मैं कहती हूँ कि वो लड़की को छेड़ेगा क्योंकि जो हिजाब में है। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि कपड़े के पीछे क्या है। और मेरी बेटी ऑडियंस में बेटी थी, बोले अब्बा फंस गए, तो मैं उठ के कहा कि सिस्टर दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जवाब तो अल्लाह ने दे दिया फौरन, ऐसा नहीं कि नहीं पता था, बट पहली बार मुझे जिंदगी में, मे बी 25 साल लेक्चर देने के बाद या 20 साल के बाद कौन ये सवाल कर रहा है। मैं सोचा भी नहीं कोई करेगा, बेवकूफ सवाल है, मैं क्या बोलूं, ए शैतानी सवाल है, नहीं भाई सवाल है। लोग जानते हैं कि वो गलत लॉजिक है, लेकिन प्रूफ कैसा करेंगे? तो मैंने उठ के कहा, यानी क्या कहा सिस्टर दैट्स अ गुड क्वेश्चन है, मैंने कहा द सिस्टर लॉजिक इज टोटली रॉन्ग, वो जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है, मान लो वो सही है, वो मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन मान लो वो बहन सही है। तो मैंने कहा बहन आप क्यों कपड़े पहनी है, आप भी कपड़े निकालिए तो लोग आपको छेड़ेंगे। आप समझ रहे, आप अगर कहते हैं कि हिजाब पहनने से लोग आपको छेड़ेंगे, जानना चाहेंगे पीछे क्या है, तो आप क्यों कपड़े पहने, आप भी कपड़े निकाल के चलिए। इसको कहते हैं बैटल ऑफ विट्स। मतलब और मैं कहता हूं कि आपका ये बेबुनियाद है, तो पहला मैंने कीवीट डाला, मतलब आप गलत है, क्योंकि शरीतन गलत, आप थोड़ी कहते तो कोई औरत को कपड़े निकाल के चलो। तो मैं कहता हूं कि आपकी लॉजिक गलत है, अगर आपकी लॉजिक सही है आप खुद उसके ऊपर अमल नहीं करते, आपको तो कपड़े निकाल के चलना चाहिए। इतनी शर्मिंदा हो गई, चुपके से निकल गई, पूरा कैमरा उसको जा रहा था। अभी ये कोई तफसीर में आपको जवाब नहीं मिलेगा, ये प्योर मंतिक है। तो डिबेटिंग इज अ डिफरेंट आर्ट, डिबेटिंग में अपने सबसे अच्छे आलिम को नहीं भेजना चाहिए, सबसे अच्छे डिबेटर को भेजो, इल्म होना चाहिए, भले उसका इल्म 10% हो लेकिन सही होना चाहिए। 10% एक 100% का आलिम उसका फन तफसीर है या नुज़ूल कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो माहिर है अपने फन में, लेकिन डिबेटिंग अलग आर्ट है। मैं नहीं कहता हूँ डिबेटिंग उससे बेहतर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, डिबेटिंग अलग फन है।